हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी से किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स फ्रेंड्स, जो कि वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, समय के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं कौन सी अपनी पहली टिप्स, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ली है एक बॉटल। ये वेस्ट पड़ी हुई बॉटल है, यानी कि इस तरीके की जो बॉटल्स होती है तो सभी के घर पे होती हैं। आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले सकते हैं या फिर बिस्लेरी की जो पानी की होती है उसकी बॉटल भी आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटे से बॉटल का यूज़ किया है। अब इस पर क्या करेंगे, इस तरीके से इस पर निशान लगा देंगे, यानी कि बॉटल को हमें बीच से कट करना है, और उसके बाद से इस तरीके से इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है वैसे ही कीजिएगा आप लोग भी। पहले तो नीचे से एक इस तरीके से कट लगा देना है, यानी कि बॉटल को पूरा आधा कट कर लेना है, और करने के बाद से जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको भी अच्छे से कट कर लेना है। नाइफ़ को गर्म करके आप यहाँ पे कट कर लीजिएगा, बॉटल बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। तो देखिए, इसको हमने अलग कर लिया, और करने के बाद से आप कैंची की मदद से इसको इस तरह से भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ करने का जो तरीका है फ्रेंड्स, इसका ये है कि बहुत बार क्या होता है, हमें घर में चावल या फिर दाल या फिर कोई भी चीज़ निकालनी होती है। तो निकालने के लिए क्या होता है, कई बार हमें कटोरी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कई बार हम ऐसे ही हाथ से ही निकाल लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, आज हम इस टूल्स का यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ को निकालने के लिए। तो देखिए, जो हमने टूल बनाया था इस तरीके से, इसकी मदद से आप बहुत अच्छे से चावल हो, दाल हो, राजमा हो, छोले हो, कोई भी चीज़ आराम से इससे निकाल सकते हैं, और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इससे निकल रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, आके देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। अच्छा, जब कभी भी हम सब्जी या फिर दाल वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा जो इस तरीके की करछी होती है, इनको रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हम इसको यूज़ करें और करने के बाद से अगर हम इस तरीके से गैस पर रख दें तो हमारा गैस भी गंदा होता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर इसे क्लीन भी करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अच्छा देखिए, जो थोड़े से चौड़े वाले स्पैचुला होते हैं उनको तो आप आराम से कढ़ाई के इस हैंडल में डाल के रख सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके का बर्तन है उसको आप नहीं डाल पाते हैं। देखिए, ऐसा जो स्पैचुला रहेगा उसको तो आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन जो हमने पहले दिखाया था वो वाला स्पैचुला इसमें नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेंगे कटोरी, और कटोरी में इसको रख देंगे। तो इसके वजह से क्या होता है, कई बार ये गिर जाता है और स्पैचुला जो है वो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी टिप्स को यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम लेंगे क्लोथ पिन, यानी कि एक चिमटी लेंगे, और चिमटी को इस तरीके से यहाँ पर आगे इसको लगा देंगे, और लगाने के बाद से क्या होगा, आराम से ये टकराएगा, बिल्कुल भी इधर उधर हिलेगा नहीं और नीचे भी नहीं गिरेगा। तो उम्मीद करते हैं टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अच्छा, आपने बहुत बार देखा होगा कि घर में काफ़ी छिपकली हो जाती हैं, जिनसे हम कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कितना भी दवाई वगैरह हिट वगैरह स्प्रे कीजिए, लेकिन छिपकलियाँ जो हैं नहीं जाती हैं घर से। तो इसके लिए एक छोटे से टिप्स है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। क्या करना है, यहाँ पर हमें एक प्याज लेना है, जिसका हमें पूरा हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ 1/4 हिस्सा चाहिए। और उसके बाद से क्या करेंगे, इस तरीके से इसके जो स्लाइस है उनको अलग कर लेंगे, और करने के बाद से क्या करना है, यहाँ पर हमें एक चाहिए सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन के मदद से बहुत अच्छे से सारे प्याज को एक जगह टक कर लिया जाएगा। और करने के बाद से फ्रेंड्स, इसको आप अपने घर में कहीं भी जहाँ पे भी ज़्यादा छिपकली आती है वहाँ पे इसको टांग करके रख दीजिएगा, और इससे आप देखेंगे कि जो छिपकली पहले घर में बहुत ज़्यादा आती थी वो आना बिल्कुल बंद हो जाएंगी, क्योंकि प्याज की जो स्मेल होती है पर्सनली छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ये हमारा ट्राई किया हुआ नुस्खा है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर से आजमाइएगा, ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं वाली टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आके देख लेते हैं ऐसी एक और बेहतरीन सी टिप्स। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स हमेशा आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अच्छा देखिए, इस तरीके के जो कंटेनर्स होते हैं, खास करके जब हम ऑनलाइन फूड वगैरह मंगाते हैं तो इस तरीके के हमारे पास कंटेनर होते हैं, फिर हम इन्हें वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इसको फेंकेंगे नहीं फ्रेंड्स, इसका बहुत अच्छा सा यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पर लेनी है रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड लेने के बाद से इस तरीके से चौकोर हिस्से में लगा देना है। लगाने के बाद आप इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, इसका फ्रेंड्स आप यूज़ कर सकते हैं चम्मच स्टैंड के रूप में, यानी कि इसमें आप अपने घर के जो भी चम्मच वगैरह हैं इसको आप आराम से रख सकते हैं, जैसे फॉक हो गया, चम्मच हो गई, या चाकू वगैरह, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से अलग अलग
पार्ट में रख सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी चीज़ों को ढूंढने में, और आपकी बहुत सारी चीज़ें एक डब्बे में रह सकती हैं, और साथ ही में वो मिक्स भी नहीं होंगी। तो बहुत आराम से इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने चम्मच भी रखी है, फॉर्क भी रखा है, चाकू भी रखा है, बटर नाइफ जो होती है उसका भी रखा है, बहुत सारी चीज़ों को, स्पैचुला, छन्नी वगैरह, आप सारी चीज़ें इसमें आराम से रख सकते हैं। और रबड़ बैंड लगाने की वजह से ये बेनिफिट होता है कि सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं, बिल्कुल भी आपस में मिक्स नहीं होती हैं। आई होप फ्रेंड्स ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, आगे देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है। अच्छा, इस तरीके से कंघी का यूज़ तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कंघी का यूज़ आप एक टूल के रूप में कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये टिप्स आज हम आपके साथ शेयर करते हैं किस तरीके से इसका यूज़ करना है, बहुत अच्छे से आप इसका यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने लिया है एक ब्लेड, जो इस तरीके का रेजर ब्लेड होता है ना, इसका ही यूज़ करना है हमें। इस टिप को थोड़ा सा सेफ्टी से ट्राई कीजिएगा, इनके ब्लेड जो है हाथों में ना लगे। तो यहाँ पे देखिए, ब्लेड को हमने क्या किया है, कंघी के साथ में स्टक कर दिया है, लेकिन ये ऐसे नहीं चिपका रहेगा इसमें, इसके लिए हमें यहाँ पे टेप का यूज़ करना पड़ेगा। जिसके वजह से क्या है, आप आराम से यहाँ पे टेप लगा देंगे, जिसके वजह से जो ये ब्लेड है ये बिल्कुल भी यहाँ से हिलेगा नहीं, और ये एक परमानेंट टूल जो होता है ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम टेप चिपका देते हैं इसमें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम यूज़ करेंगे आज टेप वगैरह कट करने के लिए। देखिए, बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी दिवाली आने वाली है, तो हमें अपने घर में लाइट वगैरह लगानी है, कोई भी डेकोरेशन वगैरह करनी है, तो ऐसे में क्या हमें ज़रूरत होती है टेप कट करने की, खास करके प्रॉब्लम टेप के साथ आती है। फिर कई बार बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं, कई बार हम पेपर वगैरह कट करने पड़ते हैं, तो इस चीज़ में आप इस टूल का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से टेप कटर खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस टूल का यूज़ कर लीजिएगा। देखिए कितनी अच्छे तरीके से इससे टेप जो है वो कट जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको टेप कट करके दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से टेप आप कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हाथों में ना लगे, ये टूल बच्चों को बिल्कुल मत दीजिएगा। और एक बार ऐसा बनाने के बाद से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी टिप्स है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर से आजमाइएगा, ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की किचन टिप्स अदर यूजफुल टिप्स आप लोग को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देखें।